पेंदा झराज पटुआ सुवल तोष श्रीधाम चले आइयो भैया चले आइयो। आएगी भैया से राम राम कन्हैया लाल जी। भैया प्रसन्न रहो आनंद करो। कहो भैया प्रसन्न रहो। राम राम। कैसे बुला रहे हो कहवात है भैया? हाँ गैया चराइवे की ताई बुलाई। अच्छा अरे भैया ओ मधुमंगल। हाँ जो कह रहे हो गैया चराइवे, हमने हाथी कब चराए? हमने गैया ही चराई, हाथी तो चराए ना कहो। तो भैया चलो गैया चराए के लाए। चलो चलो चलो। कहाँ चलोगे? अरे कहाँ चलोगे तू ही बता दे। कहाँ चलोगे? कौन से वन में चलोगे आज यो बताओ। आज काम बन चलेंगे। काम बन काम बन काम बन काम बन काम बन। ठीक है भैया चलो। तो तुम्हारी इच्छा है जहाँ चले चलो। काम बन जाएगा। हाँ और क्या काम बन जाएगा तो काम बन जाएगा वहीं तक। काम बन जाएगा। मैं तो ऐसे ही जाओगे क्या? ऐसे ही चलोगे? अरे कहूँ कोई रोवे थोड़े ही जा रहे हैं, गैया चरावे जा रहे हैं, गामते बजामते भाई चलो। तो तू सुनी रसिया? हम हैं ब्रज के रसिया। अच्छा और गाओ कोई रसिया? रसिया रसिया ही गाओ ब्रज को। हाँ अच्छा अच्छा देखू उन्हें मिल जाए तो। नहीं भाई बजाओ। तू बड़ी दिलान में आयो है तारे खेचो। ये का है भैया? ये सुर मिल रो है कहाँ थे? सुर में घुस रहे हो। ने खूंटी मेंठनी पड़ेगी। अरे भैया टूट जाएगी। अरे कहाँ कर रहे हो ज्यादा चढ़ो। इतना ही बात है। अरे गिर राज बासो में पाऊ ब्रज कोबे कोंठ ना जाऊ। बछड़ा इनमें बछड़ा कहाँ है? ये तो सब बूढ़े बूढ़े साढ़े भैया तो सुनो। हाँ बछड़ा ही तो आगे जाके बूढ़े बाजार बनेंगे। बछड़ा तो बैठो हमारा चुपचाप बैठो बेचारो बैठो रहने। भैया गैया तो चल रही है मेरे गामा धामा धामा धनी धामा। हम आज
वृंदावन के वन में आए हाँ। तो कछु वृंदावन की महिमा को वर्णन करके सुनाओ। ले जब तक कहा सुन रहा भैया तू, जब तक गिरिराज जी की महिमा सुना रहे तो या ब्रज की महिमा ये सबरा ब्रज ही वृंदावन है भैया, तो वृंदावन की महिमा सुनाओ। अच्छा वृंदावन की महिमा जो आ जाए कौन कौन धन्य। देखो वृंदावन है ये वृंदावन हाँ। जा को नाम है वृंदावन हाँ। ओ मंदिर तो गांव गांव है, याई को नाम वृंदा बने बने बात समझ लो, याई को नाम वृंदावन है। क्यों रेमन वृंदा विपिन निहार, ये सबसे महत्वपूर्ण गूढ़ बात बता रहा हूँ। आज तक काओ ने बताई नहीं होगी, बहुत देखी होंगी तुमने दुनिया, बहुत देखी होगी तुमने दुनिया हाँ। तो रेमन वृंदा विपिन विहार और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार, यदि वृंदावन की सीमा के बाहर स्वयं कन्हैया कहे आजा लाला ना तू वृंदावन में आ, हम वृंदावन से बाहर नहीं जा जाएंगे नहीं जा। तो रेमन वृंदा विपिन निहार विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि कन्हैया जो कहे सुनो मैं उठा रहा हूँ बाहर और मेरे हाथ में एक बहुत बढ़िया सोने की मणि है चमकने वाली और या वो ले ले और मैं आ रहा हूँ मंडा, इन दोनों ने लेके तू भी भीतर आ जा, वृंदावन की सीमा के भीतर आ जा। यद्यपि मिले कोट एक नहीं करोड़ चिंतामणि, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा और धार, वृंदावन में चाहे माटी में या पावन रज में मिलके शरीर नष्ट है जाए पर याते अलग कहूं, वृंदावन के बाहर कन्हैया बुलावे तो हूँ नहीं, नहीं जावे। क्यों भाई वृंदावन ऐसो है बहुत हाँ। याते बाहर नहीं जानो चाहिए तो ये ऐसो है क्यों क्यों हाँ। या तो मतलब कहा ऐसो क्यों है बताओ, बताओ। देख या वृंदावन की रचना हमारे कन्हैया ने अपने लिए करी, अपने लिए अपने लिए तो हम काय करा रहे हैं, सुन सुने पूरी बात, अपने लिए उनाई करी, अपने लिए तो गऊ लोक हो, अरे ये तो गऊ लोक में ही रहे तो, पर गऊ लोक में तो एक ही रूप सो रहे है। अच्छा परंतु या वृंदावन में तो कहू बालक है कहू किशोर है और कभू जो है कछु है कभू कछु है, तो या वृंदावन की रचना करी कन्हैया ने अपने लिए अपने भक्तन के लिए, ये अब के कही ना 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 भक्तन क्यों ना करी, भगत तो सारे संसार में बहुत हैं हाँ। भगत? और का भगत तो मध्य प्रदेश में हुए यहाँ भी है वहाँ भी है, भगत तो का है भगत तो बहुत है भगतन के नहीं। और सुनो भगत भगत एक पीछे हुए हाँ पीछे काली देपे और का बेदराम भगत हाँ वहाँ भी है, पर भगतन को ना करी वृंदावन और राधा वल्लभ और भगत वो तो ठगत है, वृंदावन की रचना करी रसिक जनन के लिए आहा निज भक्तन के लिए। अच्छा कैसे कैसे, एक बार ब्राह्मण वन विष्णु ने ये पृथ्वी सब नाप डारी, भगवान ने जब ब्राह्मण को रूप धरियो ना तो सबरी पृथ्वी नापी, बलि के यहां गए जब मांगबे तो पृथ्वी अपने पामन ते नापी, ब्राह्मण वन विष्णु ने पृथ्वी, अरे ऐसे बैठ गए जैसे यैया का व्यास या कथाएं सुन पूरी बात तेरी है भाई व्यास हम तो कह रहे हैं और व्यास आसन पर तू बैठे हो, वाह भाई वाह बात लंबी पड़ जाए बात सुनाई भी की कहिए तो मैं सुन रहा हूं, ये सुन लो ना है तो सुन और बैठ जाओ भैया, ये पीछे थे सुने पीछे थे सुन रहे हो और सुन रहे हो ठीक है चुप बैठ जाओ। ब्राह्मण वन विष्णु ने ये पृथ्वी सब नाप डारी पर मिली नहीं शुद्ध भूम नहीं शुद्ध ठाम है, तब देवंते कही तुम ही ढूंढो कोई शुद्ध भूम, तो देवन ने कही कि शुद्ध आप ही को नाम है, नाम, नाम है। तो हार के हरि ने त्रिलोकी को मत मत के अच्छा फिर कहा करो जब शुद्ध भूम नहीं मिली मत मत तो त्रिलोकी को मंथन करो, और जब काऊ वस्तु को मंथन करो जाए तो कहा निकरे कहा वा को तत्व निकर के आवे, हार के हरि ने त्रिलोकी को मत मत के मथुरा निकारी तीन लोक ते ललाम है, पर मथुराहू को तत्व सब खेच खाच सालग्राम, निज भक्तन के हेतु रचो वृंदावन धाम है, निज भक्तन के लिए ही वृंदावन की मधुमंगल आज एक बार का हुयो काम पहले पूरी बात सुन ले अच्छा जब मैं विश्राम दूं जब तू बोलियो आज मत बोले, एक बार का हो सब तीर्थन को राजा बनाए दियो प्रयागराज अच्छा हैं
प्रयागराज तीर्थन को राजा है गयो, अब तीर्थन को राजा है गो प्रयागराज फूल के कुप्पा है गयो। अच्छा। कुप्पा है गो सारो फूल के। ओहो मैं तो सब तीर्थन को राजा हूं, मैं तो सबते बड़ाऊ। अब वहां ने एक दिना सब तीर्थन की पंचायत बुला ली कि भाई सबरे तीर्थ मेरे यहां आओ। भैया सबरे तीर्थ गए, चारों धाम गए, सबरी नदी गई, सब गए, वृंदावन ना गयो। वृंदावन ना गयो, अब तीर्थराज प्रयाग ने देखो भैया सब आ गए पर वृंदावन नहीं आयो। बोले भाई वृंदावन क्यों नहीं आयो, भला आयो ही ना। अब उड़ीसा के तीर्थराज प्रयाग नारायण भगवान के पास गयो। अच्छा। और नारायण भगवान ते बोलो कि महाराज ले मोना बनो राजा फाजा। हाँ। बल क्यों, अरे महाराज मेरी बात है कोई ना माने। बल तेरी बात है कौन ना माने। अरे बल और तो सबरे तीर्थ मेरे बुलावे थे आगे पर वृंदावन नहीं आयो। वृंदावन क्यों नहीं आयो। नारायण भगवान का बोले, का बोले? हाँ। वो बोले क्यों रे, मैंने तू तीर्थन को राजा बनायो का अपने घर को राजा बनायो है। अच्छा। अरे ये वृंदावन तो मेरा घर है, कन्हैया को घर है, यहाँ कन्हैया रात दिन खेले। ये तीर्थ ना है, ये तो तीर्थन को बाप है। तो भैया तो तीर्थन को राजा, तो भूख लगी आई, लगी आई। अच्छा अच्छा, तो भाई कन्हैया छाक कहाँ है भाई, छाक छाक कहाँ है भैया। हाँ तुम छाक लेके ना आए। हाँ वो भैया तुम छाक लेके ना आए। हम छाक लामते तू लामता, हम छाक लामते तेरे ही संग गैया चरावे आमते। अरे वाह भाई वाह कन्हैया, छाक हम लांगे हम खा ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ? हम तो खामे भी ना आए। तो भैया आज तो भूल है गई। तो भैया मैं तुमको जल्दी जल्दी शीघ्रता में बुलाए रहे हो, तुम चले आयो, मैं तुम्हारे संग ही चले आयो, भूल गयो छाक लाए हो। फिर काउए भेजो, मैया ने छाक तो तैयार कर ली होगी, छाक हाँ? लेके आवे कौन जाएगा। भेज दो काउए, कोई लेके आवेगो, भेजो। क्यों भाई, भैया तू जावेगो। मैं मुंह पे तो एक पांव ना चले जाएगा भैया। यहाँ पे कहाँ चले जाएगा, यहाँ ते तो नंदगाम बलाई दूर है। मैं भूखो, तू भजियो तो चले जा, बालक बच्चन की नहीं। अरे हाँ मैं भजियो चले जाऊ, मेरी मैया तो गई होगी कहीं प्रोताई करवे, मेरी मैया घर बैठी है जो मुँह छाक दे देगी। भैया मोते तो कहियो मत, मैं तो हाथन ते चलू और हाथ मेरे थके पड़े हैं। ओहो ये तो पांव चले ही ना, हाथन ते चले। मंगल तू ना जा सके, मैं ना जा सकू, ये हाथन ते चले या के हाथ चले और बाकी जीभ चले। और कोई कछु ना चल लो, लपा लप है। सुनो भाई, सुनो खा जाए भाई। हाँ। हम तो एक बात जाने, हाँ। छाक लेके आवे को कन्हैया भूल करिए याने, अरे लेके आनी चाहिए। अब याये भेजो छाक लेवे। भैया मैं छाक तो ले आऊंगो, परंतु तुम्हें मेरी सबरी गैया चिलामनी पड़ेगी। अरे एक आध ना चलेगी तो भैया बाके मुंह में गैया घास काट के दे देंगे, पर तू लिया ले आऊ, तू छाक ले आ। ठीक है भैया। हाँ जा, क्यों गैया तो चरी रही है। एक सुनो, सुनो भाई। हाँ। अब मैं सो लू और तुम मेरी चरण सेवा कर लो उन्हें। अरे और का देख भाई। हाँ। तुम हो सब गोप बालक, मैं हूं ब्राह्मण बालक, और ऐसो कहें कैसो कहें कि भूखो जाट रोवे और भूखो ब्राह्मण सोवे। तो भैया मोह तो भूख लग रही है, मैं तो सोऊंगा। तू यदि सो जाएगा ना, हाँ। तो फिर वो कहानी याद आ रही है लाला मोह। अच्छा कौन सी, कौन सी? कि जब तू सो जाएगा, हाँ। जो सोवे सो खोवे और जागे सो पावे, तो तुम वो भोजन करवे को ना जगाओगे। वाह भाई वाह, जब बचेगो कुचेगो तो पंडित जी के माथे मार देंगे। तो हम सो मेंगे उना। अरे चलो 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 भैया, नहीं चला के आवेगो। और इधर श्याम सुंदर छाक लाने गए थे पर भूल गए, किशोरी जी की याद आ गई, तो बरसाने का मार्ग पकड़ लिया। और गोपियों ने सुना के हमारे नगर में बड़े सुंदर ब्रह्मचारी आए हैं। सखीक आयो है ब्रह्मचारी, सखीक आयो है ब्रह्मचारी, अति पंडित दूध आहारी, अति पंडित दूध आहारी, सखीक आयो है ब्रह्मचारी।
सखियो। हाँ सखी। तुमने कछु सुनी है? कौन सी बात सखी? आज हमारे गांव में एक ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे हैं, तो चलो सखियो उनके दर्शन करिया में। चलो सखियो। आओ बहनों। एक आवती के जाते दरसी को, एक आवती एक जाते दरसी को, भीड़ लगी। ब्रह्मचारी जी महाराज अंडो। ब्रह्मचारी जी महाराज प्रणाम। भीड़ लगी। ब्रह्मचारी जी महाराज प्रणाम। ब्रह्मचारी जी महाराज कछु सेवा? सखियों कछु सेवा नहीं, कछु इच्छा नहीं, कछु फल फलार, कछु इच्छा नहीं। तो महाराज कछु मिष्ठान तो चले गई? कछु नहीं सखियों, मैं तो केवल दूध को ही आहार करूं। अरे सखी देखियो कितने पहुंचे भाई संत हैं जो कि दूध को ही आहार करें। बड़े पहुंचे भाई। ये तो दूधाधारी महात्माएं। लिपनिया पीवे। हाँ इनकी खबर किशोरी जूसों करेंगी। चलो सखियों चलो। ऐसे हाँ। ब्रह्मचारी जी को किशोरी जूसों मिलवाओ तो गोपी ने विचार किया। चले दही सो। प्यारी एक आयो है ब्रह्मचारी, प्यारी एक आयो है ब्रह्मचारी, प्यारी एक आयो है ब्रह्मचारी, प्यारी एक आयो है ब्रह्मचारी। जय हो हमारी किशोरी जू की। जय हो जय हो। ऊंचे मेलन बारी की सदाई ही जय हो। ब्रह्मानंदनी जी की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। अरे सखियो तुम जय हो करती भई काहे को आई हो? किशोरी जू आज हमारे गांव में एक बड़े ही पहुंचे भई विद्वान संत ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे हैं। प्यारी एक आयो है ब्रह्मचारी, अति पंडित दूध आहारी, मृग छाला ओढ़े शुभ लक्षण, सुंदरता पे वारी। और किशोरी जी वह ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत ही सुंदर हैं, दूध को आहार करे हैं और उनने अपने शरीर पे मृग छाला ओढ़ रखी है, उनके दर्शन बड़े ही सुंदर हैं। आप हु पधारो। अरे सखी वह ब्रह्मचारी जी महाराज सुंदर ही सुंदर हैं के कछु बतावे हूँ है। पोथी पड़ी जो बतावे सबको कर ललाट की रेखे, ललता कहे किशोरी चलो तो कौतुक हम देखे। किशोरी जू अपनी पोथी में सो पढ़ के वह सब बातें बतावे है और हस्तरेखा भाग्य रेखा यह सब बता में है। मैं आपसे विनती करूं हूं आप उनके दर्शन करवे को चलो। और कछु बता में। और कछु बता में। वर्तमान है गई और होंगी ऐसी बात बतावे, धन्य हो भाग्य होए वानगरी के जहां पुरुष ऐसो आवे। किशोरी जी ब्रह्मचारी जी महाराज तीनों कालन की बात बताए भी वारी ही, भूत भविष्य वर्तमान जो बात है गई उनको बता में, जो बात अब है रही है उनको बता में, जो बात आगे भविष्य में होंगी उन बातन को बता में। किशोरी जू हमारे तो अहो धन्य भाग हैं जो कि ऐसे संत हमारे या बरसाने गांव में पधारे हैं, आप दर्शन करवे चलो। तो सखियो उनके दर्शन करवे चल तो रही हो। हाँ। परंतु एक मटकी में अधोटा दूध और वामे मिश्री घेल लाओ। क्या किशोरी जी दूध आहारी महात्मा है तो दूध जरूर चाहिए। दूध अधोटा सीता मिलाई, दूध अधोटा सीता मिलाई, भाजनी भरी जोलियो है, अष्ट सखी ने ले संगी कुमारी, चलवे को मतो कियो है, चलवे को मतो कियो।
परंतु वह ब्रह्मचारी जी महाराज कहाँ विराजमान है। किशोरी जी बैठो खोर साकुरी राजे बड़ो तपोतन धारी एक आवत एक जाति तरस को भीड़ लगी अति भारी। किशोरी जू ब्रह्मचारी जी महाराज घोर साकरी पे विराजमान है, उनके दर्शन का जी दस सखी जा रही है, दस सखी आ रही है, बहुत भीड़ लगी वही है। यासो आप शीघ्रता सो पधारो, कहूं ब्रह्मचारी जी महाराज वहां सो चले नहीं जाए। चलो सखियो आओ किशोरी जी। एक आवत एक जाति दरस को, एक आवत एक जाति दरस को भीड़ लगी अति भारी, भीड़ लगी अति भारी। प्यारी आवत देख दूर ते, श्याम सुंदर ने देखा एक आंख उघार करके कि किशोरी जी तो आ रही है, बन गया काम। प्यारी आवत देख दूर ते यो मुख बचन उचारे, को आई ले भीर सवे मो जप में अंतर पारे। हे यह कौन सखी परकर को लेके मेरे समीप चलो आए रहे हो, ठहरो जाओ रुको रुको, तुम दूर ही खड़ी रहो, मेरे जप में बाधा पड़ेगी, यासो दूर ही रहो दूर रहो। ये बेटी की रति रानी की पता भयाने राई, तुम मम हो उदास तुम्हारो मान बढ़ावन आई। ब्रह्मचारी जी महाराज यह कीरत रानी जी की पुत्री है, इनके पिता वृषभान जी भयाने देश के राजा है, यह यहाँ तुम्हारे मान को घटाएवे के ताई ना आई, तुम्हारे मान को और बढ़ाएवे के लिए आई है, बढ़ाएवे के लिए। भेंट धरी ले पे जो मथनिया, भेंट धरी ले पे जो मथनिया, इच्छा हो जो पीजे, इच्छा हो जो पीजे, गिरिवर सघन कियो क्यों आसन, चल नगरी सुख दीजे ब्रह्मचारी, चल नगरी सुख दीजे। ब्रह्मचारी जी महाराज यह दूध की मथानी आपकी भेंट है, आपको जितनो दूध पीनो होए सो या में सो पी लो, परंतु आप मुकु एक बात बताओ कि आपने पहाड़न में आसन क्यों लगा रखे है, आप हमारे गांव बरसाने में पधारो, वहां पे हम आपकी खूब सेवा करेंगे। धरे अनमनी मुद्रा लोचन मुदे कबहु खोले, अभी बोले नहीं ब्रह्मचारी जी महाराज, मुद्रा है मौन और आंख भी बंद है, परंतु बैठी घेर छकी चहु दिसो, बैठी घेर सखी चहु दिसो, ब्रह्मचारी मन ही मन में बोले, ब्रह्मचारी मन ही मन में बोले। किशोरी जी ने देखा बहुत समय हो गया, ब्रह्मचारी जी बोलते नहीं हैं, सखी तो बड़ी बड़ाई कर रही थी। अरे सखियो तुम इन ब्रह्मचारी जी महाराज की बड़ी ही बड़ाई कर रही कि तीनों काल की बात को बताए वारी, परंतु यह ब्रह्मचारी जी महाराज जब सो हम आई है यह तो कछु बोले ही नहीं है, अपने नेत्रन कुनाए खोल रही। ललता कहे ऊंचे स्वर बोलो, पूजत भान दुलारी, तप को तेज बड़ो ऋषि नंदन, नेक न दृष्टि पसारी। हे ब्रह्मचारी जी महाराज मैं ललता सखी आपकी बार बार विनती करूं हूं, हमारी किशोरी जू आपके नाम को सुन के यहाँ आई है, हमारी किशोरी जू आप सो कछु पूछनो चाहे हैं, आप वावात को बताए दो। विशाखा जू इनने मेरे कहवे सो अपनो मौन व्रत नहीं खोलो है, आप उन्हें एक विनती करके देख लो। ललता के कहने पर जब मौन नहीं खोला तो विशाखा, विनती करत विशाखा विद्या मुख तेज
कछु चारो तुमरो यस सुन आई श्री राधे कछु चर्चा विस्तारो। हे ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं विशाखा सखी आपको बार बार प्रणाम करूं हूं और आपसो मेरी इतनी ही विनती है कि जो हमारी किशोरी जी पूछ रही हैं आप बाकू बताओ। आपको तो यश सुन के हमारी किशोरी जू आपके पास में आई हैं और आप हो जो कि अपनी समाधि में मस्त हो, आप अपने नेत्रन को खोलो और इनसे बात करो। जब विशाखा जी ने विनती करी फिर भी नहीं तो तीसरी सखी उठकर बोली, कारण कौन अहो बलि लागी तुमको बात न ऐसी, तुम पंडित समदृष्टि जो कहियत यह जो विषमता कैसी। हे ब्रह्मचारी जी महाराज, हमारी तो समझ में ही नहीं आवे ऐसो कहा कारण है जाकू लेके आप बोल नहीं रहे हो। महाराज आप तो बहुत बड़ी विद्वान हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, समदर्शी हो, यदि आप बोल गए ना तो मैं आपको सवा मन को भंडारो करवाई दूंगी। जैसी भंडारे को नाम सुने सोई, अधरन में मुस्काने सुन के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए, मरम बात को बूझो तुम सिद्धता उड़ावो मेरी कारण ऐसो सूझो। सखियो मैं समझ गयो तुम मेरे समीप काहे को आई हो, मैं जान गयो तुम मेरी सिद्धाई उड़ावे के ताई आई हो, परंतु तुम्हारे उड़ाईवे सो मेरी सिद्धताई उड़ेगी नहीं, वह तो वहीं की वहीं जमी रहेगी जमी। महाराज हम आपकी सिद्धताई को उड़ाईवे को ना आई और जमाईवे को आई है, जमाईवे को उड़ाईवे को आई हो जमाईवे को। तो पोथी में खोल के देखूं, पोथी खोल कहने कछु लागे, पोथी खोल कहने कछु लागे, कोस देह जो बाला पति परिवारे कुशल गोरांगी, पति परिवारे कुशल गोरांगी, दीखति भागी विशाला, दीखति भागी विशाला। अरे सखियों तुम अपने परिवार में भरी पूरी हो, अर्थात माता सो, पिता सो, पुत्र सो, सभी प्रकार सो भरी पूरी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े उज्जवल हैं। आहा जब ऐसा भाव सुना तो तुम विद्या सखी पे नहीं रह गया। तुम विद्या पूछत ब्रह्मचारी, ये विद्या कहाँ पाई, गुरु कौन तीरथ जो कौन से कहाँ ये बुद्धि कमाई। हे ब्रह्मचारी जी महाराज, आपने ये विद्या कहाँ सो पाई है, आपके गुरु कौन हैं, कहाँ रहे हैं और आपने अपने गुरु सो और कौन कौन सी विद्या प्राप्त करी है। वाह सखी तू तो मेरे रहस्य को जानना चाहे, बताए दियो महाराज। चिंता मत कर मैं अवश्य बताऊंगा। सब विधि पूरन गुरु हमारे विद्यानगर जहाँ है, 64 कला पढ़ी प्रसाद तिन आसन सुमित जहाँ है। सखियों हमारे गुरु विद्यानगर में रहे हैं और वह बड़े ही विद्वान हैं, पंडित हैं और उनसो मैंने 64 कला सीखी है। कौन कौन सी 64 कला महाराज? अच्छा बताऊं। हाँ महाराज दो चार गिना। सखी सुन, नृत्य कला, वाद्य यंत्र कला, जल सैया, जल में तैरवो,
पक्षिन की भाषा बोलवो और पक्षिन की भाषा समझवो जी, घोड़ा की सवारी करवो अच्छा, हाँ और मोर की बोली बोलवो अच्छा, और फूलन को श्रृंगार करवो अच्छा, फूलन ते पुष्पक विमान बनावो अच्छा, आदि आदि मैंने 64 कलाएं सीखी। और हो ज्योतिष की विद्या, और हो ज्योतिष की विद्या, नीक विधि सो जानू, जैसे लक्षण होई जांग में ते सो ही प्रगट बखानो में, ते सो ही प्रगट बखान। और सखी मैंने ज्योतिष की विद्या भली प्रकार सो सीखी है। अच्छा महाराज, हाँ वाको तो मैं विशेषज्ञ हूँ। अच्छा विशेषज्ञ हो। हाँ जा व्यक्ति के अंग में जैसे लक्षण हुए उनके अंगन को देख के मैं वाको वैसो ही वर्णन करके बताए दूँ। अच्छा महाराज, प्रथम वर्ण ये राजकुमार के ऋषि नंदन गुरु गामा, जो प्यारी प्रसन्न हुए तो बसा में बरसाने गामा। तो महाराज आप सर्वप्रथम हमारी लाडली जू की हस्त रेखा देख के बताओ। अच्छा। यदि हमारी किशोरी जू प्रसन्न है गई तो आपको बरसाने को बास मिलेगो बास। कहा कही मुकुम बरसाने को बास मिलेगो। हाँ महाराज। अरे सखी, बरसाने में बसवे के ताई तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, यहाँ तक कि मैंने गुरु मुख से सुनी है कि बड़े बड़े देवताहू तरसे हैं। और वा बरसाने को वास मुकुं आपकी स्वामिनी जू की कृपाते सहज में ही प्राप्त है जाएगो। हाँ महाराज, तब तो मैं अवश्य देखूं। अवश्य देखूं। अवश्य देखूं। बताओ। विपुल सुहाग भाग दर्शत है, आगम वरण सुनाऊं, रोम रोम सुख लिखो विधाता और कहां लो गाऊं मैं, और कहां लो गाऊं। अरे सखी, इनकी हस्तरेखा तो बड़ी ही सुंदर है, विधाता ने इनके रोम रोम में सुख लिखो है। दो कुल को यश वर्धिन बामिनी, सदा सुहागी गरुरो, आरज बधुन आशीष फलेगी, जुग जुग अंचल चूरो। और या ब्रज में जितनी हूँ बड़ी बूढ़ी है, उन सबको आशीष इनको सदा ही फलेगो। और ये तो दो कुलन के यश को वर्धन करवे वारी है, दो कुल के यश को बढ़ाईवे वारी है। दो कुल कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो इनको सासुरो और दूसरो इनको पीहर माय को। अच्छा, और महाराज और कुछ बताओ। अखिल लोक बन तन चूरामणि, परिणत आदि मुनि से, प्रीतम तेजो मान नित नूतन, वै विश्वावी से। और सखी, हाँ? या ब्रज में जितनी हूँ ब्रज युवती ब्रज वनिता है, उन सबकी ये सदा ही चूरामणि बन के रहेंगी। और एक छोटी सी रेखा है, मैं वाकू नहीं बताऊंगा। हे ब्रह्मचारी जी महाराज, हाँ। आपने इतनी बड़ी बड़ी रेखा बता दी, हाँ तो यह छोटी सी रेखा में कहा जा रहा है आपको, यौकू बता दो। क्यों? अगर आपने ये छोटी सी रेखा कुनाए बतायो तो हम सब सखीन को मन में संदेह रह जाएगा। अजी नहीं, तुम अपने मन में संदेह मत करो, मैं अब ही बताऊं। प्रीतम तेज मान नित नूतन। सखियों, यह कवहु कवहु अपने प्रियतम सो मान कर जायो करेंगे। हैं? मान कर जाएंगे।
प्रीतम सो मान कर जाएंगी? हाँ सखी। तो मनेंगी कैसे? अच्छो मनेंगी तू कैसे? बड़ी भूरी है, सुन यह इनको जो हृदय है वह माखन तेहु अधिक कोमल है, अधिक कोमल है, और सहजई में ये मन जायो करेंगी। जय हो। तब तो तब तो महाराज जी आप मेरे हाथ को देख लियो। अच्छा तेरे हाँ। हाथ को देख लो, इसको आप तेरे हाथ देखो। यो को भाग्य बताओ या के भाग्य में कहा है? री सखी हाँ। तेरी रेखा तो बड़ी विचित्र है। कैसे महाराज? तू शंकर जी की सेवा कियो कर, नहीं तो तेरो खसम बाबा जी है जाएगो। और हे या को तो ब्याही ना भयो महाराज। महाराज ठीक है नेक, मेरे हाथ बड़े दयालु हैं, शीघ्र ही दया कर देंगे। ब्रह्मचारी जी महाराज मेरी नेक हस्तरेखा देख के बताओ। अच्छा तेरी देखनी पड़ेगी, आ जा सखी। तेरो कंठ है ना बड़ो ही सुंदर है, तू माँ सरस्वती की आराधना कियो कर, उनकी कृपाते और ही मधुर है जाएगा। अच्छा मधुर है। हे ब्रह्मचारी जी महाराज हाँ हाँ जी, नेक मेरी बताए दियो। अच्छा हाँ मेरी हस्तरेखा बताए दियो। समीप में आओ, समीप में आओ। री सखी तू गणेश जी की आराधना कियो कर, हाँ और उनको मोदक को भोग लगायो कर, वाकू खाई खाई के तू कुप्पा जैसी फूल जाएगी, सूखी सी है रही है। हे ब्रह्मचारी जी महाराज मेरी हस्तरेखा देख दो। अच्छा भूरी भागी तुम सब दर्शत हो, या पुर बड़ी व छोटी, चार बदन विदु न बरड़ सके ऐसी विद्या मोटी। री सखियों तुम सब, मैं तुम्हारे भाग्य को कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि वह चार मुख बारों ब्रह्मा हूँ, तुम्हारे भाग्यन की बड़ाई नहीं कर सके। जय हो। मैं तो एक जीव एक मुख बारो जीव हूँ, तुम्हारे भाग्यन की बड़ाई। इधर तो ब्रह्मचारी जी महाराज आसन लगा के बैठे हैं, खूब दर्शन का आनंद ले रहे हैं किशोरी का, और उधर बेचारे ग्वाल चरती गाय आएंगे वरी में, चरती गाय आएंगे वरी में, सखा धीर लख धाए चलो घर को बाबा आवे। नहीं बाबा तो आवे कोई ना, बाबा ना आवे वो लगे, अब हमारा कछु दावा ना है रो, अब तो घर को चलो, अब तो भूखे घर को ना जाए जागो। भैया घर तो चलनो पड़ेगो, तो घर को चलो, कन्हैया तो आयो ना। कन्हैया कहाँ आयो है? कन्हैया तो जन कहारम ठल्ले मार रहे हो, वहाँ पे का झोर पड़ रहे हो। सवेरे की कहगो तो फिर है गई संजय। मैं तो जो सोच रहा हूँ बेर पक जाएंगे तो बेर ही खा लूंगा। बेर अभी कहाँ पके हैं, अभी तो एक महीना की देर है। एक झरकटी में लोलोरे से कच्चे वे ऊपर तो ऐसो करो, बरसाने है के गहवर बन है के निखरेंगे भाई भूखे। अरे कहा कह रहो, बरसाने है के गहवर बन है के? हाँ गहवर बन है के चलेंगे भैया। रास्ता तो सूदो सूदो नंदगांव को। ना ना रास्ता तो सूदे ते ना चलेंगे ना हम। हमें तो पतो है हमारो कन्हैया तो टेढ़ होए। अच्छा अरे भैया जब ते वा की सगाई की बात चलिए, जब ते ले और बरसाने के इर्द गिर्द घूमे। ओहो हाँ। अब सही बोलो तू भैया, वही कहूँ बैठे होगो काऊ ते मार रहो होगो रमठन ले। पहले पतो है एक की सगाई और भाई काऊ गांव में हाँ। जब ते वा की सगाई भाई सारे की साल भर को छेता धर को ब्याह को। अच्छा तो वहां ने साल भर अपनी ससुराल के चक्कर दिए जैसे तेने दिए हाँ, हाँ। ऐसे ही कन्हैया की सगाई जब ते बरसाने ते भैया ना हाँ। वो जाए तो छाक ले वे घुस जाए काऊ की छान में, छान में छान में छान में भैया वही कहूं मिलेगा। तुम चलो जो ही ले चलो गैया ने गैबर बने। तेरी बात तो मधुमंगल बने। अरे हम तो बढ़िया ही कहें पर हमारी मां नहीं ना है कोई। तू वो कंधा बैठा के ले चल है? चलती गाय आएंगे बर में, सखा फिर लगाए। एक बात बताओ या गहबर वन में का कोई मेलो लग रो है का?
देखियो निबक भीड़ लग रही है। ओ भैया कितनी भैया वाणी इकट्ठी है रही है, इतना बड़ा पंडाल और बढ़िया झालर सी बन रही है। हरो पीरो हेरो सब गहवर हां सबरो गहवर वन लाल हेरो लाल देखियो और कोई बरसाने बैठो भैया पीरे से वस्त्रन ने पहर के कोई देवी तो ना बैठी। सुन देवी की पूजा तो देवी की पूजा देवता है सुगंधीसिया तो कोई देवा बैठे होगा देवा होगा सुगंधीसी आ रही है। अरे तो बढ़िया दूध की और दूध की छलिया नंद मेहर के ये कहा स्वांग बनाए। अरे ये कहा ही तो बैठे है महाराज जी आज पतो पड़ गई ये जो बाबा जी बन के बैठो का है और ये जो गोपी बैठी है ना ये कन्हैया ने अपने या मोहनी जाल में फंसा रखी है। सुन सुन ये तो हस्तरेखा देख रो है पर मैं ये पतो पड़ गई कि ऐसे कन्हैया ही जैसे बाबा जी। ओ भैया कन्हैया हाँ। कन्हैया मत कहिए कोई भयो कोई सिद्ध महापुरुष तो चिमटा मार के कमरे कर देगो तो हाँ, 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 सिद्ध महापुरुष पहले कहो तो पूछ लो। राम राम भाभी जी राम राम देवर जी हाँ राम राम यो बताओ ये महाराज जी कौन बैठे हैं। हाँ। ये महाराज जी हाँ। है कौन बैठे हैं। ये है ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। ब्रह्मचारी जी हाँ कहा कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ सबको तीनों कालन की बात बता रहे हैं। सुनो चौथे काल की बात हम बता दें। वर्तमान है गई और होगी ऐसी बात बतावे पद पूछ तो लो भैया एक एक करके। तीन काल कौन कौन से कौन कौन से भूत भविष्य वर्तमान। अच्छा इन तीनों कालन की बात को बतावे वारे ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। तो इनको हमारी कछु बता देंगे। हाँ अच्छा तुम्हारी बताई देंगे तो नेक ब्रह्मचारी जी देखो पूछ के आओ। हस्तरेखा देखे ना भाग्य रेखा और भाग्य रेखा ना दिखानी हमें तो अपने पाम की रेखा दिखानी है। क्यों कि हम ऐसे ही डोलते रहेंगे कहूं एक जगह वो बैठेंगे या ब्रह्मचारी की तरह। अरे तुम्हारे पाम में पद्मश्री है भाभी जी। हाँ सुनो उनने ना बताई ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी की चेलन बता रही है पद्मश्री है। अरे पद्मश्री हमें मत दो। पद्मश्री तो मर गए मर गए हम, हमारे संग में जो पद्मश्री है ना वो तो मर गए अब तो हम हाँ। पद्मश्री तो माखन मिश्री है वही पद्मश्री है। तो तू पेट की रेखा दिखा ले। अरे मैं पाम की रेखा दिखा लूंगा। अच्छा तू पाम की दिखा पीछे दिखाऊंगा पहले पाम की रेखा दिखाऊंगा चले ना या के ढोरे या ब्रह्मचारी के ढोरे। एक बार बताऊं मधुमंगल आज को दिन मेरा सही ना है। अच्छा तू चलो जा आगे तो भाई हमें तो जानो पड़ेगा हम तो या ब्रह्मचारी के भीतर तक घुस के देखेंगे कैसो ब्रह्मचारी ऐसो ना होए देच पिया तेर लाल करते। ऐसे ना जानो पहले ब्रह्मचारी जी महाराज की साष्टांग प्रणाम करियो। सात टांग कहां ते लामेंगे दो टांगे दो टांगन ते परेशान है तू और सात टांग लगवा दे। भोजन भट्ट ही हो तुम। क्यों मैंने साठ टांग की नहीं कही साष्टांग। साष्टांग जैसे साधु महात्मन को प्रणाम क्यों करे हैं जैसे गिरिराज जी की ढोक दे में ये साधु महात्मा है। हाँ विद्वान है विद्वान परम संत है परम संत हाँ। पकड़ ले हाँ। मैं जा रहा हूँ और मारन लगे ना बाबा जी तो वो खींच लियो। यही मत नाचे यार जा रहा हूँ मैं भैया। एक बार बताऊं एक तो भूखो ऊपर से पिटन लगे हो प्राण ना बचेंगे। अच्छा, खाए भी कुछ कछु तो मिलेगा। महाराज जी हूँ तो कर रहे पर हाँ हाँ ना कर रहे हाथ उठा रहे हैं। हूँ ही हूँ कर रहे हैं अभी तो। भैया इनते बचो इनते इनते बाबा जी इनते बाबा जी कहाँ हैं ये तो ये तो खावा जी हैं। भैया सुनो बाबा जी ना महाराज जी के चेला बन लो ये खावा पे ते कछु बचेगा तो वहां पे हम दावा कर देंगे इनके चेला। हाँ जगत को गुरु ब्राह्मण हाँ। और ब्राह्मण को गुरु सन्यासी और सन्यासी को गुरु अविनाशी और अविनाशी को गुरु ही ब्रजवासी। ओ भैया हम तो सबके गुरु हैं।
भैया ऐसे गुरु हम यहाँ के चेला फैलाना बनेंगे। तू वहाँ भूखे मर रहे हैं या रोटीन की बात करो, कोई सानी ना दे रहो। अरे सानी देव छा मत दो, पर चेला चेली ना बनेंगे काऊ के। अरे तो डंडो रुक तू। हाँ लया देख हुआ सत्य ये पिटेगो आज। और जैसे ही निकट गया ले पोथी पाछे कु भाजे बंसी धरी जो भाई भगो बाबा जी भगो लेकर में नाचत है ललिता प्यारी मुख बज भाई प्यारी मुख बज। बंसका भी नाच रहे हैं, सखियां भी नाच रही हैं, एक दूसरे से कारण पूछ रहे हैं। मधुमंगल भी भाई ब्रह्मचारी की कैसी खुआरी भैया। लाला जी हाँ जी आप काहे को नाच रहे हो? हम काहे को नाच रहे हैं? हाँ हमें माखन मछली मिलवा खावे को या मार नाच रहे हो? आपे को मार काहे को नाच रही हो? भाभी जी हमने अच्छे अच्छे बाबा जी ऐसे ही भगा दिए और हम काहे को नाच रही है तुम पता? हाँ, सुनो भैया या की सुन लीजिए क्यों नाच रही है। हाँ हमें प्यारे श्याम सुंदर की बंसी पाई है। अरे सारे हाँ पाई चीज कमाई बहुत बढ़िया रहे हो। सुनो हाँ बंसी बनाई सारो बेकार है। हाँ अभी बंसी अलेवे आवे को अब तक याने तुम्हारे हाथ की रेखा देखी। अब तुम यहाँ के हाथ देखियो ठीक है, है? बढ़िया तरह देखियो। प्रिया ले चली मुरली घर को प्याले चली मुरली घर को लाल दिन भयो भारी लाल दिन भयो भारी। श्याम सुंदर बंसी के बिना अधीर हैं। पाई वस्तु देव मत काहू सखा देत कर तारी। हाँ हम तुम्हारे सखे सखियो। हाँ प्यारे लाओ मेरी बंसी को। बहुत हो तो आधीन बांसुरी ललिता मेरी दीजे, ललिता मेरी दीजे बाछल को फल मिलो लाल लंगुराई बोहर न कीजे। ललिता जू हाँ। आप मेरी प्राण प्रिय बंसी मोकु प्रदान करो। हे प्यारी यह तो वही छल को फल है। कौन से को? अरे वही को। कौन से को? जो कि आप ब्रह्मचारी बन के आए, ब्रह्मचारी बन के आपने हमारे संग छल कियो, अब वो बंसी आपको नहीं मिलेगी। अब नट है के नाचो मोहन तब जो बने ब्रह्मचारी, हान वंश को स्वयस वखानो जो प्रसन्न होए प्यारी। प्यारे आप तो पहले संत ब्रह्मचारी जी महाराज बने, अब आप नट है कि यहाँ कला खाओ। यदि हमारी किशोरी जू प्रसन्न है गई तो आपको बंसी मिल जाएगी, यदि किशोरी जू प्रसन्न नहीं भई तो बंसी नहीं मिलेगी। हाँ मधुमंगल नट नट, नट। नाचो सबको बता रहे यहाँ पे ये ग्रह हैं, वहाँ पे ग्रह हैं, इन पे कौन सी ग्रह आ गई? जब तू बनेगा नट तो हम तो पीछे हट भैया। हाँ नट खट खेलत कला बने नट नागर, खेलत कला बने नट नागर। फटकारे पुन पुन भुजी फटकारे महाराज वृषभान कुमार को पुन पुन सुयस उचारे। कला खारे ओ खेलत कला बने नट नागर, खेलत कला बने नट हो पुन पुन भुजी फटकारे। भुजी फटकारे
मान कुमर को कुन कुन सुयसी महाराज वृषभांज हो कुन कुन सुयसी बस और मही भान दादे को नाम जय मां दादी अति अभराम मही भान दादे को नाम जय मां दादी अति अभराम जय हो ललित भान की जय हो तुंग भान की जय हो अभिषेक भान की जय हो सुहान नंदिनी की जय हो सदाई जय हो सदाई जी जय रीझी अखिल कला की रानी देत हार उपरेणी देत हार उपरेनी जंतली कंदरा देओ ए कलाकार और का पहले तो हाथ नहीं दिखा दिखा के ले लियो माल अब जो रीझी अखिल कला की रानी देत हार उपरेनी धन्य धन्य सब सखा कहते हैं देख हसी देख हसी भैया कहाँ कहाँ मिलेगो देखियो यार यही तो पूछो ये कहा है कहा है भैया एक अंगूठी मिलेगी लर मिल गई है भैया ये है हार 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 है ये हार ये करें पहरो जाए हार है ये हार हाँ तेरी होगी हार हाँ हमें ना चाहिए ये हार दूसरी कहा है ये कहा है भैया हाँ ये है उपरेनी उपरेनी के ये कितनी पैनी उतरेनी उपरेनी उतरेनी है ये उतरने हाँ हाँ उतरा नहीं तू तो ब्राह्मण अरे ना है ना ये तो ब्राह्मण है हम तो ना पहरे काव की उतरी हुई है तो भैया नटकिन ने तो उतरा नहीं मिले हाँ नटन ने तो उतरा नहीं मिले वो कहाँ मिले यो के कि कछूल ले तो ना लियो दियो ही तो है कछू हैं ये भैया हाँ समझ गए अच्छा तेरी कला हे ललिताजू ललिताजी कह रहे तेरी कला अच्छी मोकू वंशी प्रदान करो नटके तेरी कला अच्छी नहीं भाई तू फेर खा फेर खा कला फेर खा फेर खा फेर खा बेटा और बंसी मिल जाए तो मिल जाए नहीं तो हवा खा हवा हवा फेर खा फेर खा और बंसी मिले तो नहीं तो हवा खा खेलत कला बनी किशोरी जी तो परम भाई कला खा बढ़िया खा बड़ी दयालु है किशोरी जी मुरली दई बुलाए लाल को बरसो सुख जो महाई उस समय महासुख वर्षा और वृंदावन हित रूप परम कौतुक रस लीला गा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री आइए देखिए आज चरण स्पर्श का समय बीच में हम नहीं दे पाए क्षमा चाहते हैं अब जो भी प्रिया प्रीतम के चरण स्पर्श करना चाहते हैं इसी समय आ जाएं प्रथम चरण स्पर्श करेंगे उसके बाद आरती करेंगे और आरती करके ही सब लोग जाएंगे।